الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, हम सब जिस दावत पर ईमान रखते हैं या जिस दावत को हमने कबूल किया और उसकी बदौलत सारी दुनिया के अंदर हमने इज्जत पाई, उसकी बदौलत हमने तरक्की हासिल की, उसकी बदौलत हम इंसानियत के बेहतरीन जुमरे में शुमार किए गए, आज अफसोस के साथ ये बात अर्ज करनी पड़ती है कि वही दावत उसके मानने वालों के दरमियान बिल्कुल अजनबी होकर रहेगी। लोगों ने दीन से दूरी की वजह से और अपनी सुस्ती और काहलियों की वजह से या अपनी ख्वाहिशात और पसंदीदगी जो दुनिया के बारे में है उसकी वजह से दीन को तो टुकड़े टुकड़े किया, दीन में कांट छांट की, लेकिन अपनी आदतों और अपने रवैयों को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह यह है कि वो लोग जिन्होंने बराह रास्त दावत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल किया दीन और आपकी दावत पर वो लबैक कहे, उन्होंने दीन को अच्छी तरह से समझकर कबूल किया। वो जानते थे कि रसूलुल्लाह ने किस तरफ बुलाया है और वो क्या काम है जो हमें करना है और वो क्या चीजें हैं जो हमें छोड़नी है। वो जानते थे कि इसके कबूल करने के बाद किससे कटना है, किससे जुड़ना है। वो जानते थे इस बात को अच्छी तरह से कि इसके इख्तियार करने में हमें किस किस्म के पापड़ बेलने पड़ेंगे और किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। इसमें वो मरहला भी आएगा कि जो हजरत बिलाल का है, जो हजरत खुबाब का है, कि कोई गर्म रेत पर लेटा हुआ है और कोई अंधारों पर लेटा हुआ है। इसमें वो मरहला भी आएगा कि अपना घर बार और बीवी बच्चे छोड़ के अफशा की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें वो मरहला भी आएगा कि हमें अपनी ये सारी बस्ती को हमेशा के लिए खैर बात कह देना पड़ेगा माज़ अल्लाह की दीन की खातिर, और उसके बाद भी हमें लोग सुकून से नहीं बैठने देंगे, हमें बदर में भी जाना पड़ेगा, हमें उहद में भी जाना पड़ेगा और हमें हुदैबिया में भी आना पड़ेगा, हमें खंदक में भी जाना पड़ेगा और हमें तबूक पर भी जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उनके सामने वादे थी कि जिस रास्ते को हमने अख्तियार किया है ये कुछ फूलों की सेज नहीं कि जिसकी तरफ हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि ये कांटे हैं। इससे कि इख्तियार करने से दुनिया के वो लोग कि जो शैतान के नरवे में हैं और शैतानी कूतों के तहत काम कर रहे हैं, वो कभी भी हमें गालिब होता फलता फूलता नहीं देख सकेंगे। वो लाजमन हमारा रास्ता रोकेंगे और रास्ता रोकने में हर ओछे से ओछा हथकंडा वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक कोई अखलाक नहीं, कोई करैक्टर नहीं, सिर्फ अपनी बात मनवाना और अपने नफ्स को मुतमइन करना, यही सबसे बड़ी बात उनके सामने। इस लिहाज से जिन लोगों ने ये सोच समझ के इस रास्ते को इख्तियार किया उनके बारे में हम ये देखते हैं कि इन सारे मराहल से वो बड़े आराम से गुजरे, चलते चलते अपने मकसद की तरफ वो पहुंचे। और वाकईतन वो सारे कुरान के वादे, अल्लाह और रसूल के वादे उन्होंने दुनिया में अपनी आंखों से देखे, उन्होंने अपनी तरक्की को, अपनी उरूज को और दुनिया में अपने इख्तदार को देखा, और वाकईतन उन्होंने ये भी देखा कि एक वक्त वो आया कि कोई बड़ी ताकत उनके रास्ते में मुजाहिम न रह सके। बल्कि इब्ने खुलदून ने और कुछ दूसरी तारीख की किताबों ने भी ये वाक्या लिखा है, गालिबन इब्ने जरीर ने भी लिखा है कि एक जमाना वो था
कि जब मुसलमानों के कदम आगे और आगे बढ़ रहे थे तो तुर्की तक पहुंचते हुए उन लोगों की तुर्की के ये अकीदा उनका बन गया था कि मुसलमान जिस कौम का नाम है इन पर मौत नहीं आती, इन पे तलवार असर नहीं करती, इन पे नेजा असर नहीं करता, इन पे किसी का कुलवार असर नहीं करता, इनको मारा नहीं जा सकता। और वहां की हुकूमत के लिए सबसे दर्द सर जो मसला बना था वो ये बन गया था कि किस तरह इनके मुकाबले में भेजा जाए कि जब तसव्वुर यह है कि उनकी गोली लगेगी, उनका तीर तो हमें लगेगा लेकिन हमारा तीर तो उनकी लग ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जंगों के अंदर 12 तजर्बे करके ये देखे कि वो थोड़ी थोड़ी सी जमीयत भी उन पर गालिब आ गई लेकिन वो फिक्री पस मंजर से नाआशना थे जो मुसलमानों को वो ताकत दी हुई थी। इसलिए वो वहम परस्तों की एक कौम थी, मुशरकों की एक कौम थी, वो ज़ाहिरियत को देखती थी कि ये थोड़े अजीम अक्सरियत पर गालिब किस तरह से आते हैं। उन्होंने यही समझा कि इन पर मौत असर नहीं करती और ये मौत के लिए जितने आलात बनाए गए हैं इन पर असर नहीं करते, लिहाजा ये मरते नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े भी गालिब आ जाते। इस तरह से वो आगे बढ़े कि मुकाबले में ताकत जम नहीं सकती थी। चुनांचे जब किसरा पर हमले हो रहे थे और अपनी वो बड़ी सी बड़ी ताकत को भी इन मुसलमानों के सामने लाकर नाकाम हो रहा था तो आखिरकार उसने चीन की तरफ रुजू किया और उस हुकूमत से मदद मांगी कि मेरी कोई मदद कर। उसने कहा मदद के चंद तरीके मारूफ हैं, तुम्हें फौज चाहिए? उसने कहा फौज तो मेरे पास बहुत है। असला चाहिए? कहा असला भी मेरे पास बहुत है। कहा पैसे चाहिए? खर्च चाहिए? कहा यह भी बहुत है। उसने कहा चीन की हुकूमत ने कि जंग में इन्हीं चीजों से मदद की जा सकती है। कहा नहीं मुझे ये चाहिए, ये जब मुसलमान हमारी फौजों के सामने आते हैं और वो ठहर नहीं सकते मुकाबले में, ये भाग खड़े होते हैं, इसका कोई इलाज और इसका कोई दारू आपके पास है तो वो कीजिए। कहा बस उसका इलाज तो दुनिया में यही चीजें हैं कि जिनके मुकाबले में ये किया जाता है। ये था वो कि जब उस फिक्र को शोहरी तौर पर समझ कर उन लोगों ने अख्तियार किया था तो इस तरह से वो दुनिया में आगे बढ़े। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि ये चीज ज्यादा देर तक कायम न रह सकी मुसलमान, और मुसलमान हर उस बीमारी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मुब्तला होने शुरू हो गए कि जिन बीमारियों की वजह से इंसान हमेशा कमजोर होता है और इंसान हमेशा जो है उन्हीं के हाथों तबाह बर्बाद और हलाक होता है। उसमें सबसे पहली चीज यह है कि वो मकसद के साथ वो ताल्लुक, वो इश्क, वो लगाव, वो इल्म, वो फहम, वो फरासत जो उसके लिए होनी चाहिए वो खत्म हो गई उनके, और दूसरी चीजें उन पर गालिब होती चली गई। वो शुऊर के जिसने उन्हें दुश्मनों की इस ताकत और कुव्वत के मुकाबले में ऐसा बना के रखा कि उनकी सारी ताकतें और कुव्वतें उनके मुकाबलों की पाश पाश हो गई थी, वो फिक्र बजाते खुद इनके जहनों के अंदर मैं हो चुकी थी कि जो उन्हें उस मुकाबले में लाकर खड़ा कर दी। बस उसके बाद हर वो चीज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़नी शुरू हुई जो इस दावत के मिजाज के खिलाफ है। इक्तदार की ख्वाहिश, हसब व नसब पर फख्र और तफरकेबाजी और छोटी छोटी बातों पर वो झगड़े कि जो हमेशा इंसानियत के लिए तबाही और बर्बादी का जरिया बनते हैं, वो सारी चीजें मुसलमानों के अंदर आती चली गई। यहां तक कि आज के इस दौर में मुसलमान कौम मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर और नस्ली तौर पर इतने फिरकों और ग्रोहों में बढ़ चुकी है कि जिसकी तादाद बताना ये बड़ा मुश्किल है कि कितनी तादाद के अंदर है, कितने फिरकों और कितने ग्रोहों के अंदर ये बटे हुए। और जिस तरह से किसी जमाने में हिंदुओं के बारे में ये बात मशहूर थी कि हिंदू की तारीफ क्या है कि जिसमें सारे हिंदुओं के फिरके आ जाएं, तो वो कोई जामे तारीफ इसकी ना कर सके कि जिससे हिंदू एक तारीफ के अंदर हिंदू बन सके कि उसके अंदर सारे हिंदू शामिल हो जाए। तो एक आखिरी तजवीज उनके सामने ये आई कि जो गाय का एहतराम करे वो हिंदू और जो गाय का एहतराम ना करे वो हिंदू नहीं है। तो
ऐसे हिंदू भी पाए जाते हैं जो इस गाय का एहतराम नहीं करते, तो फिर क्या हो? तो आखिरी का उनके अंदर जो बात आई तारीफ हिंदू की, ये कि जो अपने आप को हिंदू कहे बस वो हिंदू है, जो मर्जी करता चले। आप ये देख लें कि जिस तरह वो अपने उस मकसद से हटे और उस चीज दीन की उनके सामने जो थी उनकी वो नहीं रही, इतने वो फिरकों के अंदर बटे कि उनके लिए एक होने की कोई तारीफ उनके लिए नहीं की जा सकती। आज आप बताएं कि बिल्कुल हम इस मकाम पर खड़े हैं, कौन सी तारीफ हमें एक मकाम पर खड़ी कर सकती है कि हम ये कहें कि इस तारीफ से मुसलमानों के सारे फिरके, मुसलमानों के सारे ग्रोह, जो भी अपने आप को मुसलमान कह सकते, ये अलग बात है कि इस्लाम क्या होगा, लेकिन जो जिस नाम से आज मुसलमान ग्रोह पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे जो हैं वो किस कौन किसी तारीफ से एक मुसलमान लफ्ज के अंदर आ सके कि इन सबको मुसलमान कहा जा सके कि ये काम करने वाला मुसलमान। क्योंकि आपको एक तरफ वो लोग नजर आएंगे जो दीन के बड़े पाबंद, सारे दीन का शऊर रखने वाले, दीन पर मर मिटने वाले, दीन की एक एक चीज की फिक्र और ख्याल रखने वाले भी, वो भी मुसलमान है, और वो भी मुसलमान है जो मुसलमानों के घर में पैदा हुआ और उसने इस्लाम से या उससे सिवाय विरासत के ये मां बाप के और चंद रस्मी चीजों के खजना और कानों में अजान और शादी के वक्त निकाह और मरने के वक्त जनाजे के अलावा कोई चीज भी नहीं, बल्कि आज वो मुसलमान भी दुनिया के अंदर मौजूद है कि ये चीजें भी उनको नसीब नहीं। ये सारी चीजें मिलकर तो आज हम मुसलमानों की वो किस्म बने कि कोई चीज हमें नहीं कर सकती। तो ये क्या क्या बात थी कि किस वजह से हम ऐसे हुए? तो सबसे पहली चीज जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज इंसानियत के सामने पेश की थी, किस चीज की तरफ इंसानियत को बुलाया था, और किस तरह से उसे मान लेने के बाद वो इंसान जो मुख्तलिफ फिरकों, ग्रोहों, असबीतों, मजहबों, नस्लों के अंदर बटे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम इस नेमत की वजह से फासबहतुम बिनेमतिही इख्वाना, तुम इस दावत की वजह से, इसके कबूल करने की वजह से तुम आपस में भाई भाई बन गए, और भाईचारगी का दुनिया के अंदर उन लोगों ने वो नमूना कायम किया कि जिसका तसव्वुर दुनिया के अंदर दो हकीकी भाइयों के अंदर भी पेश करना जो है वो बहुत मुश्किल है। ऐसा नमूना उन्होंने कायम किया। तो वो चीज क्या थी? मैं आज इस मजलिस के अंदर, इस नशिस्त के अंदर उन बुनियादी बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि जिन्होंने हमें उस मकाम तक पहुंचाया और जिनके भूल जाने की वजह से और उसकी हकीकत से नाशना होने की वजह से आज हम तनजल के इस मकाम पर पहुंचे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज की दावत लेकर हमारे सामने आए, इंसानियत के सामने आए, भेजे गए, वो थी ईमान की दावत। और वो ईमान की दावत एक मान लेने की, उस दावत के एक जुज था और उसे दो में आप तकसीम कर लें। एक कलमा जिसके दो पहलू नमाया कर दिए गए और उसने सारी चीज उसके अंदर समेट कर रख दी गई, और वो ये था कि जिस रोज अपनी दावत का आगाज फरमाया तो लोगों को ये कहकर बुलाया कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, इसे मान लो, कामयाबी की जमानत मैं देता हूं तुम्हारी। और ये कामयाबी मशरूत नहीं की गई कि ये सिर्फ आखिरत की कामयाबी है, बल्कि ये आखिरत के साथ साथ ये दुनिया की भी कामयाबी है। फरमाया तुम इसे कबूल कर लो तो मैं तुम्हें कामयाबी की जमानत देता हूं, और तारीख भी ये बात बताती है कि जिन लोगों ने इसे कबूल किया वो दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत की कामयाबी पर भी कुरान शायद है कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी। वो दावत क्या थी ईमान? ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या सिखाता है? मैं इसके अंदर तफसीली गुफ्तगु बाद में करके पहले आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि ईमान की तीन बुनियादी चीजें थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जहनों के अंदर बिठाई।
एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान, इस लफ्ज़ पर आप गौर कर लीजिए, मैं अल्लाह पर ईमान नहीं कहता हूं, अल्लाह की तौहीद पर ईमान कहता हूं। दूसरा रिसालत पर ईमान और तीसरा आखिरत पर ईमान। ईमान के और भी अज्ज़ा हैं लेकिन ये बड़े बड़े जुज उसके ये तीन हैं, और ये तीन जुज जब ये समझ में आ जाएं तो इसका एक मफहूम बनता है कि जिसे हम सारे को इकट्ठा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं। अल्लाह की तौहीद पर ईमान का मतलब, जैसा मैंने अर्ज किया, इसे मैं तौहीद इसलिए खास किया कि अल्लाह के मानने वाले दुनिया में हर दौर के अंदर मौजूद है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों के अंदर तशरीफ फरमा थे और वो जबरदस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, अल्लाह को वो भी मानते थे, और कुरान इस बात की शहादत देता है। खाने काबे के साथ उनकी मोहब्बत, खाने काबे के मेहमानों की इज्जत और एहतराम इस बात की शहादत देती है कि वो अल्लाह को मानते थे। यहूद और नसारा अल्लाह को मानते थे। अगर रसूलुल्लाह ने भी अल्लाह ही की तरफ बुलाया है तो ये अल्लाह के मानने वाले उस अल्लाह की तरफ बुलाने वाले के इतने सख्त मुखालिफ क्यों हुए कि मक्के में 13 साल तक क्या कुछ मुशरकीन मक्का ने न किया और मदीने में यहूद ने और फिर मक्के के मुशरकों ने मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से के साथ क्या कुछ सलूक नहीं किया। ये माल इस बात की वजह से कि वो अल्लाह की तरफ बुला रहे थे और ये सारे अल्लाह के मानने वाले थे। आखिर इनमें फर्क क्या था, कौन सी चीज थी जो इनको अलग अलग करती थी? जिस अल्लाह की तरफ रसूलुल्लाह बुला रहे थे वो तसव्वुर कौन था, और जिस अल्लाह को वो मान रहे थे वो तसव्वुर कौन था? चुनांचे आप ये देख लें कि यहूद नसारा और मुशरकों का जो अल्लाह का तसव्वुर है उसमें खुदा एक बेजान हैसियत रखता है, जिसे कोई पीर, कोई मौलवी, कोई बुत, कोई दूसरा अपना फैसला करने के रास्ते में रुकावट बन सकता है कि ऐसा न करना इसलिए कि ये मेरा साथ करता लग रहा है, पर अल्लाह मजबूर होता था कि नहीं कर सकता था उनके नजदीक। चुनांचे आप ये देख लें कि जब आप ये देखते हैं कि फैसले अल्लाह ही करता है उनके नजदीक, लेकिन करवाने वाले और होते हैं, उनका जोर इतना चलता है, तो लोगों की तवज्जो अल्लाह के बजाय उन फैसले करवाने वालों की तरफ ज्यादा हो जाती है कि ये राजी हों, फैसले तो उन्होंने करवाने हैं, और जब फैसले इन्होंने कराने हैं तो हमारा मामला तो ठीक हो जाएगा अगर ये राजी हुए। चुनांचे इसके लिए जो अकीदे और तसव्वुर उन्होंने अल्लाह के साथ गढ़े हुए थे कि जो इन सारे फैसलों को बदलने में उनके लिए मदद देते थे, फरिश्तों का तसव्वुर ये था कि ना मक्के के मुशरकों का कि फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह की बेटियां, और बेटी के बारे में ये नहीं था कि जैसे फिजिकली इंसानों के बेटे और बेटियां होती हैं, जो कोई भी नहीं मानता था, ना यहूदी मानते हैं, ना नसरानी मानते हैं, ना मक्के के मुशरक। फरमाया फरिश्तों के साथ अल्लाह को प्यार इतना है जिस तरह बाप को बेटी के साथ प्यार होता है। बेटी अगर के घर में कमजोर हैसियत रखती है लेकिन उसकी बात अपने बाप पर इतनी असरअंदाज होती है कि बेटी अगर कहे कि अब्बा ये करने ही तुझे पड़ेगा, तो अब्बा उस बेटी की उस मोहब्बत में मुब्तला होने की वजह और उसके साथ उस खुशी तल्लक की बुनियाद पर कहता है बेटी को नाराज ना कर। बेटे को नाराज कर सकता है आदमी, लेकिन बेटी को नाराज ना करो। इसलिए वो फरिश्तों को पूछते थे। यहूद और नसारा ने हजरत ईसा और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ यही तरीकेकार इख्तियार कर रखा था कि वो ये हैं, वकाल लुत्तखज़ल्लाहु वलदा, ये नहीं कहा कि अल्लाह का बेटा पैदा हो गया, ये नहीं मानते थे। फरमाया अल्लाह ने बेटा बना लिया, और बेटा बना लेने से मुराद ये थी कि जिस तरह किसी आदमी का कोई बेटा ना हो तो किसी को बेटा बना के कहता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, घर के निजाम को नहीं चला सकता, मैंने तेरे साथ बेटों वाले ताल्लुकात कायम किए, ज्यादा तू इस निजाम मेरे घर के को चला। तो कुरान करीम इस बात को ये कहता है कि जब इन्होंने ये कहा कि वकाल उत्तखज़ल्लाहु वलदन, इन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, फरमाया सुभान अल्लाह, पाक है, तो ये कमजोर आदमी की निशानी है।
कि जब वो बूढ़ा होता है उसके लिए कुछ सहारा नहीं होता तो वो अपना सहारा तलाश करता है कि किसी न किसी सहारे से मैं अपने काम को चलाऊं। अल्लाह को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और फिर ये कहा कि बल्लहु मुल्कु समावाते वल अर्ज, ये जमीन और आसमान अल्लाह ने किसी दूसरे के कब्जे में नहीं दिए, उसी के कब्जे के अंदर ये सारे के सारे। ये भी फरमाया कि कुल्लु लहु कानितून, इनमें से कोई अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता, सारे के सारे उसके मुती और फरमाबरदार। उसे बेटों और बेटियों से निजाम चलाने के बजाय उसके यहां उसका हुक्म जो है वो सारे निजाम चलाने के लिए काफी है। इन्नमा इज़ा अरादा शयअन फयकून कुन फयकून, जब वो किसी मामले का इरादा करता है कि ये हो तो उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा हो जाए वो हो जाए। ये तसव्वुर उनके सामने पेश किया। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों ग्रुपों को इनकी गलतियों पर मुतनब्बे किया कि जिस तरह तुम अल्लाह को मानते हो ये अल्लाह का मानना न मानना बराबर है, आओ अल्लाह को जिस तरह से मानो उसके मानने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है ना उसका कोई बेटा है ना उसकी कोई बेटी है, ना उस पर किसी का जोर चलता है, ना वो किसी के नाराज होने से उसका कोई निजाम बिगड़ता है। सारी दुनिया नाराज हो जाए उसे पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो अजीज है, वो जब्बार है, वो कहार है, वो फालुल लिमा युरीद है, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करता है, उसकी मर्जी में दूसरा कोई दखील नहीं हो सकता। ये तसव्वुर जब पेश किया इस काम को सिर्फ अल्लाह ही के हाथ के अंदर है, तो चुनांचे कुरान करीम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात बताता है कि ये अल्लाह के मानने वाले, खाने काबे को बनाने वाले, खाने काबे की हिफाजत करने वाले, खाने काबे के मेहमानों की इज्जत और एहतराम करने वाले, कि ये खुदा के घर के साथ सारी चीजें वाबस्ता हैं, ये आपके क्यों मुखालिफ है? ये यहूद और नसारा अल्लाह पर उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर ईमान रखने वाले और अल्लाह ही को मानने वाले आपके क्यों मुखालिफ हैं जब आप इनको अल्लाह की तरफ बुलाते हैं? तो कुरान सारी की वजह यह बताता है कि इन्नहु कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून। बात सिर्फ यह है कि आप ये कहते हैं कि हर चीज का पैदा करने वाले और हर चीज के ऊपर इंतजाम रखने वाला, हर चीज में सिर्फ उस एक की मर्जी चलती है, नफा उसके हाथ में, नुकसान उसके हाथ में, बिगड़ाना किसी चीज को ये उसके हाथ में, बनाना उसके हाथ में, इज्जत उसके हाथ में, जिल्लत उसके हाथ में, मौत उसके हाथ में, जिंदगी उसके हाथ में, कानून सिर्फ उसका, निजाम सिर्फ उसका, मर्जी सिर्फ उसकी बंदों को पूरी करनी चाहिए, खुशनुदी सिर्फ उसकी हासिल करनी चाहिए, सिर्फ उसकी रजा के लिए दौड़ दूर करनी चाहिए। और चुनांचे हमें नमाज के अंदर ये तो सिखाया जो हम है उस दुआ कुनूत के अंदर ये पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नूमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। आप इन सारे जुमलों पर गौर कीजिए, क्या सिखाते हैं, किस तरह से अल्लाह से हमें जोड़ते हैं, मदद तुझसे मांगते हैं, बख्शिश तुझसे मांगते हैं, भरोसा तेरे ऊपर करते हैं, एतमाद तेरे ऊपर करते हैं, मनुष्य अलाई कर खैर और हर भलाई की बात तेरे लिए हम करते हैं, सजदा तेरे सामने करते हैं, शुक्र तेरा अदा करते हैं, नाशुक्री तेरी से बचते हैं, वो अलाई कर नसा व नफ़िर, हमारी सारी दौड़ धूप हमारी सारी साई उसका एक ही मरकज है कि हम तेरी तरफ दौड़ते हैं, हर तेरी पुकार पर लब्बैक कहते हैं और हर वक्त तेरे पुकार पर हाजिर होते हैं, नरजू रहमतक वो नक्शा अजाब, रहमतों तेरी के उम्मीदवार और अजाबों तेरे से डरने वाले हमें, ये तल्लक है कि जो जोड़ा अल्लाह के रसूल ने बंदे का अल्लाह के साथ, कि तुम हर मामले में उससे रजू करो, देता वो है लेता वो है, लेने देने की सारी चीजें उसी के पास हैं, बाकी किसी के पास नहीं। और अल्लाह के तसव्वुर को इस तरह से पेश किया कि दुनिया ने बंदे और अल्लाह के दरमियान बेशुमार पर्दे फायल कर रखे थे और आदमी एक हद तक मायूस हो चुका था
कि मैं अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता कि जब तक ये और ये वास्ते में तलाश न करूं। और चुनाचे वो बेचारी की सारी जिंदगी उन वास्तों की पूजा पाठ, उनके नजरानों और चढ़ावों के अंदर ही गुजर जाती थी और वो अपने अल्लाह तक पहुंचने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता था। और उसके मुकाबले में अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए से अपना तारफ यूं कराया, वैजा साला का इबादी अन्नी फैनी गरीब, कि मेरे बंदे जब मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं तो आप बता दीजिए कि मैं करीब हूं, मैं उनसे दूर नहीं हूं। उजीब दावत दाएदान, कि जब भी मुझे कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूं, बल्कि उसका जवाब देता हूं। आप इस बात पर गौर फरमाएं कि अल्लाह की पुकार सुनना, जब भी कोई पुकारे उसकी पुकार पर यानी तवज्जो देना, ये सिर्फ अल्लाह के बस की बात है, बाकी किसी की बस की बात नहीं। एक आदमी दुनिया में सिर्फ एक की बात सुन सकता है, दो चार दस की नहीं सुन सकता। और इतनी फैली हुई मखलूक जिसमें हर एक की जरूरत बेपनाह है, अगर उसे क्यू में लगा दिया जाए, लाइन में लगा दिया जाए कि तेरा नंबर वो आएगा, तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह तक बात वो नहीं सुना सकेगा। जी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सारे के सारे एक वक्त के अंदर अपनी अपनी जुबानों में अपनी सारी जरूरतों के मुताबिक मुझे पुकारो, मैं हर एक को अलग अलग जवाब दे सकता हूं, हर एक की बात सुनता हूं। यह है सुनने का तसव्वुर, हर एक के करीब हूं और हर एक ये समझे कि अल्लाह मेरे ही करीब है। और आपने कभी गौर किया, यानी इन दो जुमलों पर गौर कीजिए कि नमाज के अंदर जितनी दुआएं या नमाज के अलावा भी जितनी दुआएं, उनमें एक लफ्ज हम रब्बना का बोलते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, यानी हम सब का रब। और लेकिन जब हम सजदे में जाते हैं या रुकू में जाते हैं तो रब्बना के बजाय रब्बी कहते हैं, सिर्फ मेरा रब। इस पर आपने कभी गौर किया, उलमा ने यह लिखा है, इसकी वजह दरअसल यह कि आदमी जब नमाज की कैफियत में डूबता है, और जैसा आपने रसूल ने फरमाया और आपने सुना है, हुजूर फरमाते हैं इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहु, नमाज पढ़ने वाला अपने रब से सरगोशियां करता है, उसके इतने करीब होता है, तो वो कुछ देर यूं चलता है, ऐ हमारे रब तूने हम पर ये रहम किया, तूने ये दिया, ऐ हमारे रब तूने ये किया, ऐ हमारे रब ये किया। जब इस कैफियत में डूब के और रब के करीब होता है अपने रुकू की हैसियत से, तो रब्बा ना छूट जाता है, उसका रब भी रह जाता है, मेरे रब। और आदमी जब ये सोचता है और ये गौर करता है कि उस अल्लाह ने जितने मेरे ऊपर एहसान किए, उन एहसानों से तो ये पता चलता है मेरे ही रब है। और आज इस बात पर गौर कीजिए कि वहां आदमी इतना करीब होता है, कहता है नहीं मेरे ही रब है, किसी और का रब नहीं है, कि उसने मेरे ऊपर इतने एहसान किए। इस बात को ये देखें कि किस तरह से आदमी वो करीब होता है और इस तरह से होता है। और आप ये देखें कि लोगों ने यह बताया या ये तसव्वुर दिलाया हुआ था कि अल्लाह तुम्हारी बात नहीं सुनता, जब तक कि ये वास्ते और न रखो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा रब की तरफ एक बालिश्त आगे बढ़ता है, अल्लाह दो बालिश उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वो एक बाजू आगे बढ़ता है, अल्लाह दो बाजू आगे बढ़ते हैं। और बंदा चलकर आता है, अल्लाह दौड़कर उसकी तरफ आता है। अब ये मतलब हुआ कि अल्लाह को आप पुकारें उसकी रहमत को तो बहुत करीब है, आपकी थोड़ी पुकार पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, आपकी थोड़ी तकलीफ को बड़ी अहमियत दे के उसकी मदावा करने की कोशिश की जाती है। सिर्फ तवज्जो करने की बात है कि आप उधर तवज्जो कीजिए और फिर देखिए कि कबूलियत किस तरह से आती है उस तक खुद। और इसे इस हदीस से यूं भी बयान फरमाया गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह किसी बंदे का, इंसान का किसी घोड़े पे सवार सहरा में सफर कर रहा हो, उसका पानी, उसका खाने का सामान उस घोड़े के साथ ही बंधा हुआ हो, और उसने रास्ते में कोई दरख्त देखा तो अपने घोड़े को वहां बांधा और सो गया, उस
درخت کے سائے کے نیچے اور جب اٹھا تو دیکھا نہ گھوڑا نہ پانی نہ کھانے کا سامان غائب. اب اس آدمی کی پریشانی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ہو. تو صحرا کے اندر جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے, دور دور تک بستی نہیں ہے, دور دور تک کوئی چیخ و پکار اس کی سننے والا نہیں ہے, اس نے یہی سمجھا کہ میں اسی صحرا کا ہو کے رہ گیا ہوں, دو روز کا مہمان ہوں, دس کا ہوں, چار کا ہوں, بس یہ تو لے ڈوبے گی مجھے. اس لیے جب اس کے اندر اس وقت جان اور طاقت تھی, تھوڑا اس نے ہاتھ پیر مارے ڈھونڈنے کی کوشش کی, لیکن جب اسے دور دور تک اس گھوڑے کا کوئی نشان نہ ملا تو تھک ہار کر اسی جگہ آ کے بیٹھا, لیٹا اور سو گیا. اب اس نے کہا پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو, کیا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے گھوڑا دوسری طرح اس کے سامنے باندھا ہوا ہے, اس کا پانی بھی محفوظ ہے, اس کا کھانا بھی محفوظ ہے. حضور فرماتے ہیں تم تصور کر سکتے ہو کہ صحرا کے اندر وہ بندہ اپنا یہ گھوڑا اپنا کھانا اور پانی پا کر کتنا خوش ہوا ہو, کتنی نفسیات کے قریب کی بات ہے. اس وقت اس خوشی کا اندازہ لگاؤ. حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اتنی اس بندے کو خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو اپنے بندے کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا. اور اللہ کی اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں فراہم کی جا سکتی. اور حضور نے ایک مثال دی ہے اور واقعتاً اس سے زیادہ قریب کی کوئی مثال بن نہیں سکتی. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لائے, وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کے قیدیوں میں شامل تھی جس کا بچہ جنگ کی افراتفری میں اس سے جدا ہو گیا تھا. تو وہ ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی, راستے میں اس عمر کا کوئی بچہ اسے نظر آتا تو وہ اٹھا کے سینے سے لگاتی, رونا شروع کر دیتی. مدینے میں جب یہ لشکر پہنچا اور وہ بچہ ایک اور اس عورت کے سامنے آیا اور اس نے اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا, رونا شروع کیا, اور یہ سارا منظر حضور اور صحابہ کے سامنے تھا. حضور نے فرمایا اگر اس عورت کو صحابہ کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں بچہ مل جائے تو کیا وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو سارے راستے میں پریشان تھی, اس کی تو خوشیوں کے ٹھکانے کوئی نہیں تھے, اگر ایسے بچہ مل جائے آگ میں ڈالنے کا تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ذرا بات سوچیے, حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم جتنی اس ماں کو اور ماں کی محبت اس وقت کہ جب بچہ اس سے گم ہو کتنی گنا بڑھ جاتی ہوگی, سامنے موجود ہونے میں اور گم جانے میں اس محبت میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. وہ بیتابی, وہ قلق, وہ اضطراب کہ اس نے ہر چیز ماں کو بھول جاتی ہے, بچہ ہی اس کے سامنے ہے, پانی نہیں یاد رہتا, کھانا نہیں یاد رہتا, بچہ ہی بچہ سامنے ہوگا, ہر چیز بھول جاتی. اس کیفیت کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ اس ماں کو بچہ ملے آگ میں ڈالے گی. فرمایا اس نے تو سارے راستے میں پریشانی سے کی ہے, کب ڈالتی ہے. فرمایا خدا کی قسم جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے, اللہ کو اپنے ایک ایک بندے سے ایسی 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے اس سے بھی زیادہ, کم نہیں کہا, برابر بھی نہیں کہا, اس سے زیادہ محبت ہے. اور اگر آپ اس بات پر غور کریں اور اس کا زندہ ثبوت دیکھنا چاہیں تو ہر انسان اپنے آپ پر غور کرے, اللہ کی وہ محبت ہی بے پناہ جو ہر بندے کے ساتھ ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے. ورنہ جن کرتوتوں اور جن کارناموں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور جتنی نافرمانی اور بغاوت ہم اللہ کی کرتے ہیں اور جس قسم کے کارنامے ہم سر انجام دیتے ہیں, اگر وہ ماں والی محبت کا تقاضا نہ ہوتا تو کبھی ہماری گردن مروڑی ہوئی دوسری طرف پڑی ہوتی, کبھی ہم تباہ کر دیے جاتے. یہ محبت ہے جو بار بار بچا رہی ہے. اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ بھاؤ انہوں نے یوں بتایا کہ وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری بات نہیں سنتا, اس کے سننے کے لیے کسی کو لاؤ اس کے سامنے, اس کے ذریعے سے سنے گا, اس کے ذریعے سے نہیں سنے. تو کہا کہ نہیں, ان ربی قریب مجیب, میرا رب نزدیک بھی ہے جواب بھی دیتا ہے. ان ربی رحیم ودود, میرا رب شفقت کرنے والا بھی ہے محبت کرنے والا بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھی وہ بھٹکی ہوئی دنیا جو رب کو مانتے ہوئے بھی رب سے دور تھی, جو رب کو مانتے ہوئے بھی رب کے قریب کبھی نہیں ہو سکی, اور جو رب کو مانتے ہوئے بھی وہ شعار قسم کے لوگوں نے اسے رب کے قریب نہیں ہونے دیا.
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बंदे के तल्लक को अपने रब से जोड़ा, और इन सारी चीजों को जब काटा तो ये सारे तड़प उठे। मक्के के मुशरकों ने कहा हमारा कारोबार गया, ये 360 बुतों के जो नजराने और न्याजे आती हैं, ये चढ़ावे आते हैं, ये तो सारे बंद हो जाएंगे। यहूद और नसारा ने यह समझा कि हमारा ये जितना मजहबी तकद्दस था और उसके साथ हमारी जो मईशत की ये सारी चीजें वाबस्ता थी, ये भी गई। अगर हम इसको मान लेते हैं तो आप ये देखते हैं दोस्तों, पेट की मार बड़ी सख्त होती। उन्होंने समझा ये हमला हमारे पेट पर है, ये नादानी थी उनकी, इसलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त से सख्त मुखालफत की कि ये बात ना फैले, ये बात लोगों के जहनों के अंदर ना। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तसव्वुर बिठाने में जितने लोगों के यहाँ कामयाब हुए, उनकी जिंदगी का रुख ये बताता है कि फिर उनका क्या हाल। फिर एक और बात कि ये लोग थोड़े होते हुए इतनी मुखालिफत को किस तरह से बर्दाश्त कर गए। एक तरफ ताजा ताजा नए लोग, और जब वो नए इस मसलक में आए, नए इस दीन में आए, नई ये सोसाइटी उन्होंने बनाई, अपनी पुरानी सोसाइटियों से कटे, उनकी मईशत खराब हुई, उनके खानदान का सिस्टम खराब हुआ, उनके घर बार का निजाम सारे का सारा बर्बाद हुआ, और बिल्कुल कट के फिर ये अलग ये जुड़े। लेकिन ऐसे में उन जमे जमाए लोगों की मुखालफत के अंदर ये डट किस तरह से गया, ठहरे किस तरह से हैं। अगर इस बात को भी अगर आप समझना चाहें, इसी ला इलाह में ये बात मौजूद है कि उस ईमान के अंदर ये बात शामिल थी कि लोगो जिस अल्लाह पर तुम ईमान रखते हो, जो इतना मोहब्बत करने वाला है, इतना रहम करने वाला है, रिज़्क उसके हाथ में, तो याद रखो मौत और जिंदगी भी उसके हाथ में, नफा और नुकसान भी उसके हाथ के अंदर है। ये सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर अल्लाह ना बिगाड़ना चाहे, और ये सारी दुनिया मिलकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकती अगर अल्लाह ना देना चाहे, मतलब तुम्हारे अल्लाह देना चाहे तो ये सारे मिलकर रोक नहीं सकते। अब आप ये देखें कि जब आदमी इस फिक्र को कबूल कर ले, दुनिया की कौन सी ताकत है, कौन सी कुव्वत ऐसी है जो इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले के सामने ठहर सके, या उसका कोई खौफ, या उसका कोई रोब, या उसका कोई तसव्वुर ऐसा कि जिसके सामने आदमी दबकर बात कर सके, को आ सकता है। तो जब उसे यह समझाया गया कि अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीया, सारी ताकतों का मालिक अल्लाह है, और यहां उन्हें यह बता दिया गया हो कि ये सारे जो तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें नजर आती हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, बल्कि ये उसके हाथ में है। और ये तसव्वुर जब ज़हनों में बैठा तो आप ये देखते हैं कि वो थोड़े उठे, उन्होंने समझा कि ये तलवार मारने वाले की तलवार उसी वक्त असर करेगी हम पर जब हमारे किस्मत में वो जख्म होगा। अगर हमारी किस्मत में जख्म है, हमने गोली से मरना है, जख्म खा के मरना है, तो हम जंग में जाएं न जाएं, किसी के मुकाबले में आएं न आएं, गोली लग के मरेगी। कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बिस्तरों में पड़े पड़े मर जाते हैं। और आजकल पाकिस्तान में आपने सुना है थोड़ा ग्रुप रात को अच्छे भले सोते हैं, सुबह मरे पड़े हुए, उनका किसी से क्या दुश्मनी। यही वादे गए वो हैरान है कि किसी के साथ इनकी दुश्मनी नहीं है, मर कैसे गया, ऐसा मार कैसे दिया गया। तो याद रखिए जो उसको तसव्वुर ये दिला गया हो, इस पर ईमान जिसका आ गया हो कि आदमी मरता उस वक्त है कि जब उसकी तरफ से हुक्म आ जाए, मरता भी उसी चीज से है जिससे उसकी मौत लिखी गई हो, और अगर वो चीज ना हो तो ये गोली, ये नेजा, ये तीर, ये तलवार इंसान को मार नहीं सकती। इसके जिंदा सबूत एक नहीं बेशुमार मौजूद है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में याद आता है, जब फौत होने लगे तो ठंडी आ भरी, दोस्तों ने बेटों ने कहा कि खालिद क्यों आप आखिरत में जाने से क्यों घबराते हैं, जबकि जब रसूलुल्लाह दुनिया से गए तो आपसे राजी थे, अबू बकर आपसे राजी थे, उमर आपसे राजी थे, आप अल्लाह की तलवार हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लकब आपको अता किया है, आम आदमी ने नहीं दिया था। तो फरमाया नहीं, इससे तो मैं नहीं, इन्हें बात आ गई, एक ख्याल आ गया मुझे मरते मरते,
और वो ये है कि मेरे जिस्म को देखो, मेरे जिस्म का एक इंच हिस्सा खाली आपको नजर नहीं आएगा जिसमें या तीर का या तलवार का या नेजे का या किसी चीज का जख्म का निशान आज भी मौजूद ना हो। इतना जिस्म मेरा जंगों के अंदर शरीक होकर जख्मी हुआ, काश खालिद बजाय इसके कि जंग के मैदान में मरता, वो मर रहा है बिस्तर पर लेटे। ये है वो तसव्वुर। इसलिए उन्होंने कभी भी इस बात को कुछ नहीं की। तो कहते हैं बहुत जिंदगी तो है। दूसरी बात यह कि ये जिंदगी, जैसे मैं आगे चलकर इस बात को वादे करूंगा, लेकिन इसके साथ भी थोड़ा सा इसका तल्लक है कि जब ये जहनों में बिठा दिया गया कि ये जिंदगी दरअसल इसलिए इस दुनिया के अंदर हमें दी गई है कि ये इस जिंदगी पर हकीकी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी की कामयाबी का दारोमदार है, और वो हकीकी जिंदगी कामयाब उसी वक्त होती है कि जब इस दुनिया की हर चीज को, यहां तक कि अपनी जान को भी अल्लाह के रास्ते में दे दो, उसकी कामयाबी में शक कोई नहीं रहता। और ये उस बात है कि मौत को खुद लबैक कहे, वो बातिल से हिरासा क्या होगा। जो इस जंग को खुद चाहे, जो इस मौत को खुद दावत दे, जो इस मौत के लिए दुआएं करे, जो इस मौत के लिए आरजू करे, जो उस मौत के लिए रात दिन तड़पे, इस मौत का वक्त उसके सामने आए तो उस पर कोई परेशानी तारी नहीं होती। वो नहीं परेशान होता, बल्कि वो चाहता है ये बात सारी की सारी ये बात वर्दी कि तुम्हारी कामयाबी और कामरानी का असर राज जो है उसी बात के अंदर। इसलिए वो बहादुर थे और वो सफों की सफों को उलटते थे। वो दुनिया में बड़े बड़े इंकलाब उन्होंने लाए, दुनिया में एक ऐसे खत्ते से उठे जिस खत्ते पर तारीखी तौर पर तजारती नुक्ता नजर से तो कोई निगाह उठती थी, लेकिन उनकी अहमियत सियासी तौर पर यह नहीं थी कि ये भी दुनिया के अंदर कोई इंकलाबी बन जाएंगे या ताकतवर बन जाएंगे या ये भी किसी के लिए चैलेंज बन जाएंगे। और वो ऐसे चैलेंज बने कि उनके मुकाबले में ठहर कोई ना सका, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा दखल जिस बात का था वो इस ईमान का था। इसी का नाम इंकलाब ने रखा। उस मुर्दा फिक्र को जिसने इंसानों को इस दुनिया के अंदर बजाय जिंदा है लेकिन अपने फिक्री लिहाज से मुर्दा हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो जिंदगी उन्हें अता की और जिंदगी की हकीकत से आजना किया, अपनी अहमियत उन पर वाजे की अपने रब के सामने और रब के साथ उस तल्लक को वाजे किया। दुनिया में अगर एक आदमी का किसी हुक्मरान के साथ तल्लक होता है तो वो उस बस्ती और आबादी में कितना इतरा कर गुजरता है, और जिसका तल्लक उस रब्बे दो जहां के साथ हो जाए और ये समझे मैं उसका बंदा हूं, मैं उसका सिपाही हूं, आप उसकी ताकत और कुव्वत का कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी दूसरे पर उसकी नजर क्या ठहर सके। ये इस बात से आशना किया, ये थी वो पहली बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जोड़ा और उसने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो तुम्हारा कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा, कोई कानून साध, कोई हुक्मरान हाकिम नफा देने वाला, नुकसान देने वाला, बच्चे देने वाला, बच्चे न देने वाला, तुम्हारी किस्मतें बनाने वाला, तुम्हारी किस्मतें बिगाड़ने वाला सिवाय अल्लाह के दूसरा कोई नहीं। अब एक तरफ ही सारा रुख हो गया, हर तरफ वो फिर रब्बी अलाल ही होगा और रब्बी अल अजीम ही होगा, क्योंकि हर चीज उससे वाबस्ता कर दी गई। और इसी के बारे में ये कहा कि ये आपके क्यों दुश्मन है या रसूलल्लाह, आपने ये जो तसव्वुर दिया उसके अंदर ये बात आएगी कि इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून, कि जब इनके सामने आप ये कहते हैं लोगो इस कायनात का रब अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो ये फिर चढ़ जाते हैं, इनके अंदर तकब्बुर आ जाता है, ये लात ये उज़ा ये मनात और ये क्या है। और ये कहते हैं अजअलल आलिहा इलाहा वाहिद इन हाज़ा लशयउन उजाब, कि ये सारे इलाहों को खत्म करके और सारे इलाहों को बेदखल करके और सारे इलाहों से हमारा वास्ता काट के एक अल्लाह से उस सारे इलाह वाली बातें जो है जोड़ना चाहता है, ये कैसे हो सकता है। चुनांचे ये था वो बुनियादी इख्तलाफ के जैसे बताया और ये बात उनके सामने वादे की। आज गौर फरमाएं कि ये बुनियादी तसव्वुर जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल करता है, ये वो बुनियादी तसव्वुर इलाह के बारे में और अल्लाह के बारे में और अल्लाह के साथ का वो ताल्लुक जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, आज ये देखिए क्या हमारा ये तसव्वुर उसी तरह महफूज है।
جس طرح رسول اللہ نے ہمیں دی ہے، بلکہ ہم اپنے فرقوں، گروہوں، عقیدوں اور تصوروں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اتنے بت مکے کے مشرکوں نے نہیں بنائے جتنے آج بت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر رکھے ہوئے، اتنے چڑھاوے اور نذرانے بتوں پر انہوں نے نہیں چڑھائے جتنے چڑھاوے اور نذرانے آج ان بتوں پر ہم چڑھا رہے ہیں، اتنے خدا سے بے ڈر وہ نہیں تھے جتنے آج خدا سے بے ڈر ہم ہیں، ہمارے دلوں میں نہیں رہا خدا کا خوف، آج اس کا کوئی حکم توڑنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی، اور اس کے مقابلے میں ان بتوں کے لیے ذرا سی بھی کوئی بات آ جائے تو آپ یہ دیکھیں کتنا کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، اور قرآن ایک وقت ان پر طنز کرتا تھا، انہوں نے عجیب صورتحال بنا رکھی ہے کہ اپنی نذرانوں اور نیازوں کو کہتے ہیں آزاد للہ وہاذا لشرکائنا، یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ اللہ کے شریکوں کا ہے، فرمایا اگر اللہ کے شریکوں کے حصے میں کمی آ جائے، ان کے مجاور آ جائے مانگنے کے لیے اور وہ کم ہو جائے، اللہ کے حصے میں سے اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں، اور اگر اللہ کے حصے میں کمی آ جائے تو ان شریکوں کے حصے سے نہیں لیتے، نہیں یہ ناراض ہو جائے، آج یہ دیکھ لیجئے کیا یہ ہماری کیفیت بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہے خدا کے ساتھ ہمارا تصور اور تعلق، کیا مصر سے ہم نے بنایا جس سے ہمیں ہٹایا گیا تھا وہ بن گیا، پھر یہ ہے پہلی بات ایمان کا، دوسرا جز رسالت پر ایمان، اور رسالت پر ایمان کا مطلب یہ ہے اس دنیا کے اندر بندوں کے لیے بندوں میں سے وہ اتھارٹی جس کو دیکھ کر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی معلوم کی جا سکے اور جس کی پیروی کر کے یہ اطمینان ہو سکے، یہ پیروی کر کے میں نے صحیح اپنے اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کی ہے اور اس کی رضا حاصل کی ہے، ایسی اتھارٹی کا نام صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسے بندوں نے نہیں چنا، باقی سارے جو ہماری اتھارٹی ہیں ہماری چنی ہوئی، اس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی، کسی کو ہم کون سا درجہ دیتے ہیں، کسی کو کون سا درجہ دیتے ہیں، کسی کو کون سا درجہ دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن یہ درجہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے انہیں منتخب ہمارے لیے کیا، اللہ نے چنا نمونے کے طور پر، اور پھر اللہ نے نمونے کے طور پر چننے کے بعد اتحاد کی پیروی کرنا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کو ہم پر لازم قرار دینا، اور اتنا لازم قرار دینا، فرمایا ان کی نافرمانی میری نافرمانی اور ان کی اطاعت میری اطاعت، وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو کچھ دے لے لو اسے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس بات سے منع کرے ہٹ جاؤ اسے، اور ایک مومن کے لیے مومن ہونے میں اس بات کی پابندی کرا دی کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ، ایک مومن مرد اور عورت کو اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد اس میں اپنا اختیار استعمال کرنے کی مرضی کوئی نہیں، اس کو نہیں کر سکتا اپنا اختیار، ہاں یہی ہے اللہ اور رسول کی بات سننے کے بعد، الا ان قالوا سمعنا واطعنا، سنا اور مانا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، دنیا میں واحد ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ جن کی ایک بات سے بھی اختلاف کر کے آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، ایک بات سے کہہ کہ مجھے رسول اللہ پر ایمان، میں ساری باتوں کو مانتا ہوں لیکن رسول اللہ کی یہ بات نہیں مانتا، تو یاد رکھیں اس کا سارا ماننا نہ ماننا برابر ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان اور نہیں ہے رسول اللہ کے علاوہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ مجھے اس سے اس معاملے میں نہیں، اس کی بہت سی چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے تو اس کے ایمان پر کوئی اثر پڑے، وہ مومن رہے، یہ مقام اللہ نے رسول اللہ کو دیا، اور یہی کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی نمونہ ہے، اور پھر یہ نمونہ قانونی نہیں بنایا کہ قانونی طور پر پیروی کر لو بات بن جائے گی، نہیں، وہ پیروی قانونی نہیں ہے صرف، بلکہ وہ دل سے ہے اور دل کی خوشی سے ہے، اگر دل کی خوشی میں بھی فرق آ جائے تو ایمان پھر بھی کوئی،
और कुरान ये कहता है कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम, ये आयत पर जरा गौर कर, तेरे रब की कसम इनके अंदर कोई ईमान नहीं है, यहां तक कि अपने सारे झगड़ों में, यहां लफ्ज शजर का बयान हुआ जो झगड़ों से और बाहमी इख्तलाफ से तलक रखते हैं। ये नहीं कहा नमाज के मसले या रसूलल्लाह आपसे ना पूछे तो मुसलमान नहीं, नमाज आपकी बतलाई हुई नमाज ना पढ़े तो मुसलमान नहीं है। फीमा शजरा बैनहुम, दो इंसानों के दरमियान जो चीज भी निजा की सूरत बन सकती है, झगड़े की सूरत बन सकती है, उन दो का झगड़ा उस पर हो सकता है, उस हर झगड़े का फैसला आपसे अगर ना ये चाहें तो फला व रब्बे का ला युमिनून, तेरे रब की कसम इनके अंदर कोई ईमान नहीं। चलो कानूनी तौर पर मान लिए हर बात का झगड़ा, लेकिन अगली बात पर जरा सोचें, फरमाया सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कज़ा, और या रसूलल्लाह उस फैसला सुनने के बाद सिर्फ ऊपर से ना माने फिर अपने दिल में तंगी भी कोई महसूस ना करे, अगर जरा सी दिल में तंगी आपके फैसले के खिलाफ उनके दिलों में आई तो फला व रब्बे का ला युमिनून, तेरे रब की कसम फिर भी इनके अंदर कोई ईमान नहीं। ईमान की एक ही सूरत है, वह युसल्लिमु तस्लीमा, दिलो जान से उसे इताअत कीजिए, उसकी फरमाबरदारी कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुद, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबन लिमा शेतु बिही, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिशें भी मेरे हुक्म के ताबे ना हो जाए। सारी चीजों में बदलना तो बड़ी बात है। काजी अय्याज ने इस आयत में ये लिखा आज की तफसीर के अंदर अपनी किताब शफा में, कि जहां कुरान सूरह गुजरात की इस आयत के अंदर ये बात कहता है, लोगों नबी की आवाज पर अपनी आवाज को ऊंचा न करो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, तुम अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर भी ऊंचा न करो, और अगर ऐसा किया तो कुरान ही कहता है कहीं तुम्हारा ईमान चला जाए और तुम अपने आप को खाम मोमन समझते रहो। काजी अय्याज फरमाते हैं इस आयत ने बड़ी फिक्र हमें यह दी, अगर नबी की आवाज पर आवाज ऊंचा करने से ईमान जा सकता है तो नबी की पसंद पर अपनी पसंद को ऊंचा करने से ईमान बाकी रहे, नबी के रिवाज पर अपने रिवाज को ऊंचा करने से ईमान रहेगा, नबी के तरीकों के बजाय अपने तरीकों को बुलंद करना और पसंद करने में ईमान किसी का बाकी रह सकता है? आवाज ऊंचा करने से नहीं रह सकता तो अमलन कैसे रहेगा? और ये हदीस भी उस बात की ताईद करती है और ये वाज़े तौर पर ये बताती है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबन लिमा जेतु बिही, अपनी ख्वाहिशात को भी उसके ताबे बनाओगे। ये तो फैसले के बारे में कि अपने ईमान को कायम रखने से दिल से भी राजी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारा ताल्लुक कायम किया गया उसके अंदर ये बात भी वादे कर दी गई कि दुनिया की किसी चीज को कि जिस सिलसिले में इंसान की तभी मोहब्बतें मायल होती हैं, कि आदमी को बच्चे से मोहब्बत है, अपनी जात से मोहब्बत है, अपने माल से मोहब्बत है, अपने इख्तदार से मोहब्बत है, अपने घर बार से मोहब्बत है, ये फितरती मोहब्बतें, इनमें कोई ढील, लेकिन ये हाँ बता दिया गया जिनके साथ तुम्हारी ये फितरी मोहब्बत है ना, इन मोहब्बतों पर जब तक रसूलल्लाह की मोहब्बत गालिब ना आए फिर भी ईमान तुम्हारा कोई नहीं। यानी फितरती मोहब्बत नहीं, तुम अपने बेटे से, अपनी जान से, अपने माल से, अपने कारोबार से, अपने इख्तदार और कुव्वत हर चीज से जिसकी ज्यादा इज्जत करोगे, जिससे ज्यादा मोहब्बत करोगे, वो सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। क्यों, उसकी वजह क्या बताई? फरमाया नबीयो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, सबसे ज्यादा तो आदमी अपने आप से मोहब्बत करता है, लेकिन कुरान ये कहता है कि नबी को हमने ऐसा बनाया कि तुम अपने आप से वो मोहब्बत नहीं कर सकते हो जो रसूलल्लाह तुमसे मोहब्बत करते हैं। अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, लिहाजा अपने आप और अपनी सारी चीजों से ज्यादा मोहब्बत इसके साथ की है, और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो मोहब्बत ही है, अगर हम इसके साथ ना होती तो हमसे पत्थर खा के दुआएं ना देते, दुख उठाकर दुआएं ना देते, खुदा के अजाब की दावत कभी भी उन्होंने हमारे लिए नहीं मांगी।
کہ بعض کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے کوئی تاریخی حیثیت سے میں نہیں سمجھتا بڑی حیثیت ہے لیکن ایک واقعہ ہے جیسے مرالی کتاب کے اندر لکھتا میں نے پڑھا ہے کہتے ہیں ایک دفعہ شیطان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اوپر بڑا احسان کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس کمبخت پر میں نے کون سا احسان کیا یہ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ یہ بات جب بہت آگے بڑھی اس طرح سے ہونے لگی تو انہوں نے پوچھا مجھے تو کوئی احسان نہیں یاد آتا، تو بتا کون سا احسان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو بدعا کی یا اللہ ان سب کو تباہ کر دے یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے، اگر یہ زندہ رہتے تو مجھے کتنی محنت کرنی پڑتی روزانہ کہ یہ نہ بھٹک جائے یہ نہ بھٹک جائے یہ نہ آپ کے راستے پر آ جائے، آپ نے بدعا کر کے سب کو ٹھکانے لگا دیا جو میرا راستہ ہے اس پہ پہنچا دیا۔ اس بات پر غور کریں، واقعہ یہ لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی ہے آپ بدعا کریں تو آپ فرماتے ہیں یہ نہیں مانیں گے ان کے بیٹے مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے ان کے پوتے مانیں گے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے بیٹوں نے بھی مانا انہوں نے بھی مانا ان کے پوتوں نے بھی مانا۔ یہ حضرت قاسم جو حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے یہ سقفی ہیں، یہ اسی طائف سے اٹھے اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہندوستان کے اندر اسلام کی شمع انہوں نے روشن کی، یوں ہی کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جس کے بارے میں کہا گیا بدعا کی۔ وہ ابو جہل اس کے گھر سے اس کا بیٹا اکرمہ اٹھا، اس کا بھائی حارث اٹھا، اور اکرمہ کے دو بیٹے جب جنگ قادسیہ میں یہی نوجوان ہاشمی ویسے بڑے خوبصورت ہوتے اور جوان بھی ہوں، اور ان کی لاشیں جب حضرت خالد بن ولید کے سامنے لائی گئیں تو حضرت عمر کو وہاں ماں کے نام سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ فلانی کے بیٹے تم یہ کہتے تھے کہ بنی مخزوم کی مقدر میں صرف رسول اللہ کی مخالفت ہی ہے، لیکن آج بتاؤ کہ ان جیسے دو نوجوان کوئی بھی قبیلہ پیش کر سکتا ہے؟ یہ دیکھ لیجیے اس دعا کا اثر ہے، نبی اولا من المؤمنین من انفسہم، آپ نے بچایا بدعاؤں سے ہمیں اور ہم یہاں تک پہنچے۔ اور ایک اور بات غور کریں ذرا، بعض حدیثوں میں آتا ہے اور ان ساری چیزوں پر اگر آپ غور کریں، حضور کی راتوں کی راتیں اس پہ گزر جاتی تھیں یا اللہ میری امت کو عذاب سے بچا۔ یہ آپ اس بات پہ حضور نے تین دعائیں مانگی اللہ تعالی سے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی یا اللہ جس طرح سے پہلے قوموں کی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تو نے شکلیں بگاڑی ہیں تو میری امت کی شکل دنیا میں نہ بگاڑ۔ آج اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں، ورنہ جن کرتوتوں کے اندر ہم مبتلا ہیں خدا جانے کس نسل میں ہم ہوتے۔ یہ دعا کی فرمایا جس طرح یا اللہ تو نے ساری امتوں کو اس سے پہلے ایک حلے میں تباہ و برباد کر دیا، میری امت ساری کی ساری پر ایک دفعہ عذاب نازل نہ کر۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ کون سی بے چینی تھی، اس لیے اسے کے ساتھ تعلق ہمارا ایک قانونی لیڈر کا نہیں ہے بلکہ ماں سے باپ سے اپنے آپ سے اپنی اولاد سے اپنی ہر چیز سے سب سے زیادہ محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک یہ نہ ہو، خود رسول اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ طبعاً لما جئت به، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں بھی میرے حکم کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ دو جز ہیں، کیونکہ اب وقت جمعے کا بھی قریب ہے، انشاءاللہ اگلے پر موقع ملا تو انشاءاللہ میں اسے مکمل کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔